स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बना रहे हैं मौसम के अनुसार कॉर्न पराठे, भुट्टे का पराठा। यकीन मानिए, एक बार खाएंगे तो इसका स्वाद भूल ना सकेंगे, बार बार यही बनाकर खाएंगे। बारिश के मौसम में गर्म गर्म भुट्टे का पराठा खा दिल खुश हो जाएगा। कॉर्न इस समय बहुत आ रहे हैं और हेल्दी भी होते हैं, तो चलिए हम इसके पराठे बना लेते हैं। पराठे बनाने के लिए हमने लिए हैं 3 भुट्टे, इन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे। अभी बारिश के मौसम में ताजे भुट्टे हैं, इसलिए इनमें दूध वाले दाने हैं। देखिए कितने सॉफ्ट भुट्टे हैं। यह हमने भुट्टे को कीस लिया है और इसमें बहुत ही दूध है, इसलिए हम प्लेट को थोड़ा इस तरह से रखेंगे, साइड में रखते हैं जब तक हम आटा लगा लेते हैं। यहाँ हमने लिया है 220 ग्राम आटा, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। आटे में हल्दी डालने से पराठे कलरफुल बनेंगे, आप चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हैं। नॉर्मल रोटी के आटे जैसा ही आटा लगा लेंगे, ऐसा हम रोटी बनाने के लिए लगाते हैं। यह आटा लग चुका है, अब इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख देते हैं। अब गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने रखेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डालें, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। अब बारीक कटा प्याज डालें, 2-3 हरी मिर्च। अब इसे 1-2 मिनट पकने देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब आधी चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ भुट्टे का मिश्रण डाल देंगे। इससे पहले इसका जो दूध अलग हुआ है इसे निकाल लेंगे। अब यह मिश्रण डालकर 2-3 मिनट लगातार चलाएं। हम यहाँ एक बॉईल आलू डाल रहे हैं, आप चाहे तो आलू स्किप कर सकते हैं। आलू को इस तरह से हम घिस कर डालें। पानी सूखने तक 3-4 मिनट पकाएंगे। अब हमने इसमें डाला है गरम मसाला, चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार। अब हरा धनिया डालकर इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडे मिश्रण से पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। और यह हमारा आटा भी तैयार हो चुका है। आटे की हम छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे और ये भुट्टे का मिश्रण भी तैयार हो चुका है। हाथों पर ऑयल लगा के हम इस भुट्टे के मिश्रण की भी बॉल्स बना लेंगे, मतलब छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे। यह मैंने तैयार कर ली है। अब इसकी हम रोटी बनाएंगे। पूरी के आकार की रोटी बनाकर भुट्टे का मिश्रण डालेंगे। भुट्टे का मसाला इसके अंदर इस तरह से भरकर हल्के हाथों से पराठा तैयार करेंगे। देखिए दूसरा पराठा भी इसी तरह से बना लेंगे।
यह हमने दूसरा पराठा भी बेलकर तैयार कर लिया है। आप इसे दूसरा डिज़ाइन भी दे सकते हैं। इस तरह से रोटी बनाएं, मसाला भरें और इस तरह से समोसे का शेप दे दें। किनारों पर थोड़ा पानी लगाकर समोसे टाइप बना लें। आप देख सकते हैं पराठे कितनी आसानी से तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इन्हें हम सेक लेते हैं। गैस ऑन करके एक तवा रखेंगे। पराठे को थोड़ा ऑयल या घी लगाकर सेकें और इसे पलट पलट कर सेक लें। यह हमने पराठे को अच्छे से सेक लिया है। बहुत ही करारा और क्रिस्पी बना है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरा पराठा भी बिल्कुल इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे और इस पराठे को भी हम पलट पलट कर सेक लेंगे। और ये दूसरा पराठा भी तैयार हो चुका है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। यकीन मानिए पराठा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम से भरपूर है। चलिए अब यह समोसा स्टाइल पराठा भी सेक कर दिखाती हूँ। यह बहुत ही फूला फूला बना है, आप देख सकते हैं। एक बार इसे बरसात के मौसम में ज़रूर बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे दही या किसी भी चटनी के साथ में आप सर्व करें। वैसे तो इसमें किसी भी सब्जी या चटनी की ज़रूरत है नहीं, यह अपने आप में ही बहुत ही परफेक्ट है। चलिए आप भी ये पराठे बनाइए। और आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।